सर, बढ़ते हुए कोरोना को ध्यान में रखते हुए दिन ब दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, नागपुर की स्थिति बहुत गंभीर है, क्या कहेंगे आप कोरोना को ध्यान में रखते हुए? नमस्कार, जय माता दी। गुड़ी पड़वा की आप सभी को शुभकामनाएं। कोरोना का दूसरा कहर एक बार फिर हमारे नागपुर में बढ़ रहा है, जिसके पीछे का कारण अभी तक कोई बता नहीं पा रहा है। हो सकता है कि लॉकडाउन करके यह समस्या को सुलझाना चाहिए, लेकिन यह एक ही कारण नहीं है जिसके माध्यम से कि हम कोरोना को रोक सकें। कोरोना को रोकने के लिए एक और उदाहरण भी बहुत सारे हैं जिसके माध्यम से हम कोरोना को रोक सकते हैं। अभी हाल फिलहाल तो ये हाल है कि जो लोग बीमार हैं उनको दवाई उपलब्ध कराना, उन्हें बेड उपलब्ध कराना, ये सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है। सरकार ने, सभी सामाजिक संस्थाओं ने आगे आना चाहिए और आगे आकर इस रोग को मिटाने के लिए सब ने अपनी अपनी सेवा अर्पण करनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि रोज़ लोग ऑक्सीजन कमी के कारण हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए आ रहे हैं, आजू बाजू के गांवों से भी आ रहे हैं जिनकी ऑक्सीजन वैल्यू 40 और 45 हो गई है। ये 40 और 45 ऑक्सीजन कितने दिन में होती है, कैसे होती है, लोगों को जानकारी नहीं। ऑक्सीजन कम क्यों होती है इसकी भी लोगों को जानकारी नहीं। तो इस सब की जानकारी, एक प्राइमरी जानकारी लोगों को कोरोना के बारे में देनी चाहिए। जहाँ तक मैंने देखा है हमारे दवाखाने में कि लोग बीमार होते हैं तो समझते हैं कि मुझे कोरोना हुआ, चेकअप कराते कोरोना हो गया, दो तीन दिन के बाद गोली खाने के बाद बीमारी चली जाती है, बुखार चला जाता है, तो वो समझते हैं कि मेरा कोरोना चला गया। लेकिन ये जानकारी आपको रखना चाहिए कि एक बार कोरोना तुम्हारे शरीर में आया है तो 14 दिन तक तुम्हारे घर में यानी तुम्हारे शरीर में रहने वाला है। वो पहले नाक से आएगा या गले से आएगा, गले में आने के बाद तुम्हारे को बुखार देगा, उसके बाद तुम्हारे छाती में यानी कि लंग्स में जाएगा और लंग्स में जाकर तुम्हारे को निमोनिया की असर करेगा। तो ये सब जानकारी आज तक लोगों के पास नहीं है। और जब छाती में और लंग्स में जाने के बाद में तुम्हारा ऑक्सीजन वैल्यू धीरे धीरे डाउन होता है तो उसको कैसे चेक करना, तुमको पहले सीटी स्कैन करवाना पड़ता है, तुमको पैथोलॉजी की कुछ 7 टेस्ट है, वो 7 तुरंत टेस्ट करवाना पड़ता है और ये सब करवाने के बाद तुम्हारा इलाज शुरू होता है। तो ये जानकारी, आम जानकारी जो लोगों तक पहुँचाने की बात मैं समझता हूँ सब तक पहुँचनी चाहिए और माध्यम से आपके माध्यम से भी ये जानकारी सब तक पहुँचे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। एक तरफ बढ़ता हुआ कोरोना है, दूसरी तरफ रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत है, साथ ही साथ बेड जो है वो भी अवेलेबल नहीं हो रहा है, आपने बताया स्थिति बहुत गंभीर है। देखा जाए तो रेमडेसिविर जो है इसकी कालाबाजारी भी चल रही है, क्या कहेंगे? देखो, रेमडेसिविर की बात तो बाद में करूंगा, सबसे पहले तो बेड अवेलेबिलिटी की बात मैं करूंगा। बेड अवेलेबिलिटी की बात ऐसा है कि लोग जब प्राथमिक दौर पर रहते हैं कोरोना के, उस दौर पर अगर उसको प्राथमिक उपचार मिल जाए तो उसको आईपीडी में जाने की जरूरी नहीं पड़ती। हमने देखा है कि कई लोग घर में क्वारंटाइन होते थे और घर में दवाई लेते थे और पिछले दौर में लोग अच्छे हुए, हजारों लाखों लोग अच्छे हुए। इस दौर में मैं देख रहा हूँ कि लोग घर में क्वारंटाइन होने के बाद में अच्छे नहीं हो रहे हैं और कुछ दिन के बाद उनकी ऑक्सीजन वैल्यू बहुत डाउन हो रही है। इसके पीछे का कारण कुछ समझ में नहीं आया। मैं समझता हूँ कि दवाई की उपलब्धता नहीं होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमने लोगों को ये जानकारी देना है कि आप अगर कोरोना पॉजिटिव है तो घर में रहे और इस प्रकार का इलाज आप अपने घर में रहकर कह रहे। मैं चाहता था कि एक प्रकार से कोरोना आईपीडी जैसे स्टार्ट है, उस प्रकार से कोरोना कहीं कहीं जगह पर ओपीडी भी स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि प्राथमिक उपचार, कोरोना का प्राथमिक उपचार लोगों को तुरंत मिल सके, जिसके माध्यम से लोगों को आईपीडी में जाने की आवश्यकता न पड़े और गंभीर बीमारी से बच जाए। तो जो प्राथमिक लेवल पर है, जो लोग 95 की ऑक्सीजन के आसपास है, ऐसे लोगों को तुरंत दवाई देकर, तुरंत प्राथमिक उपचार देकर हम उनको अच्छा कर सकते हैं और उनकी ऑक्सीजन डाउन न हो उसके लिए पूरा उपचार हम कर सकते हैं। जहाँ तक रेमडेसिविर की बात है, ये तो जरूरी है कि सरकार ने इस पर पूरा से नियंत्रण रखना चाहिए। जब शुरुआत में हमारे यहाँ पर भी रेमडेसिविर हमने लोगों को दी, हमको जिस भाव में आती थी हम उस भाव में लोगों को पूर्ति की। 15 दिन तक मैंने नागपुर के कई लोगों को रेमडेसिविर की उपलब्धता करवाई, लेकिन जब से सरकार ने इस पर बैन लगाया कि यह सिर्फ कोरोना सेंटर में ही दी जाएगी, बाकी को नहीं दी जाएगी, बहुत अच्छा डिसीजन रहा उनका। और मैं समझता हूँ कोरोना सेंटर के लोग भी आज बाहर भटक रहे हैं, कई लोग ऐसे भटक रहे हैं कि हमको वहाँ पर, हमारे हॉस्पिटल में कोरोना की रेमडेसिविर है ही नहीं। ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही, जब गवर्नमेंट उसको सप्लाई कर रही है तो हॉस्पिटलों में ये चीज़ होनी चाहिए।
अब क्यों नहीं होनी चाहिए ये विषय मेरा नहीं है या हमारा नहीं है, ये विषय सरकार ने या सरकार के माध्यम से लोगों ने इसको पूरी तरह से जांच करनी चाहिए ताकि लोगों को मालूम पड़े। रेमडेसिविर की उपलब्धता गंभीरता, आज हिंदुस्तान में सबसे पहले नंबर पर कोरोना नागपुर शहर में है, पूरे हिंदुस्तान में देश में अगर कोरोना के फैलाव ज़्यादा कहा जाए तो नागपुर में ही है। ऐसे समय सभी सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने भी इसके लिए स्पेशलिटी नागपुर के लिए रेमडेसिविर की उपलब्धता करवानी जरूरी है, क्योंकि रेमडेसिविर ही एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से आदमी की ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो सरकार द्वारा वैक्सीनेशन जो है इसका महोत्सव शुरू किया गया है 15 तारीख तक, ये जो महोत्सव है इसके बारे में क्या है? वैक्सीनेशन बहुत अच्छी चीज़ है, हर व्यक्ति ने वैक्सीन लगवानी चाहिए, एक बहुत ही अच्छा पर्याय, एक अच्छा विकल्प हमारे सामने है। दो बार वैक्सीन लेनी पड़ती है और पहली वैक्सीन के दूसरी वैक्सीन के बीच में करीब एक वैक्सीन को 28 दिन और दूसरी वैक्सीन को 40 दिन का समय देना पड़ता है और उसके बाद इसका असर मालूम पड़ता है। तो मैं समझता हूँ हर व्यक्ति ने, जब हमारे पास इतनी अच्छी सरकार ने उपलब्धता करवाई है, तो उसका उपयोग करके वैक्सीन लेना चाहिए, तुरंत लेना चाहिए और अपने आप को और अपने परिवार को, अपने समाज को इस गंभीर बीमारी से बचाना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य सरकार की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की राज्य सरकार अलग अलग तरीके से लॉकडाउन लगाने के पीछे लगी हुई है, जो मूलभूत तत्वों की तरफ ध्यान ना देते हुए, लोगों के रोजगारी की तरफ ध्यान ना देते हुए विशेषकर लॉकडाउन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? सरकार का ध्यान लॉकडाउन के ऊपर है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन से बीमारी बढ़ रही है। नो डाउट बीमारी लॉकडाउन नहीं करने से बढ़ेगी, लॉकडाउन एक और पर्याय है उसका, लेकिन अभी हाल फिलहाल लॉकडाउन करके लोगों की आर्थिक परिस्थिति को खराब करना ही है, क्योंकि पहले ही लोग एक वर्ष से पूरे वर्ष भर बेरोजगार होकर अपना घर जैसे तैसे चला पाए हैं, बिजली की समस्या, बिजली के बिल की समस्या, उसके बाद में खाने पीने की समस्या, कई प्रकार की समस्या है, ऐसे लोग आज भी जूझ रहे हैं। कई परिवार तो जो मध्यम वर्ग में थे वो गरीब वर्ग में चले गए हैं। ऐसे समय लॉकडाउन ही एक ऐसा पर्याय नहीं हो सकता, नाइट लॉकडाउन या इस प्रकार से कोई और विकल्प लाकर लोगों को आर्थिक परिस्थिति से बचाना ये सरकार का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन करने के पहले ये विचार भी सरकार ने करना चाहिए। नवरात्र हॉस्पिटल के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, बहुत सारे पीड़ितों को सर्विस दी जाती है, सेवाएं प्रदान की जाती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ के जो स्थायी विधायक है उन्होंने ऐसा आह्वान किया है कि नवरात्र हॉस्पिटल को कोविड सेंटर की परमिशन दी जाए और अलग किसी जगह कोविड सेंटर नवरात्र हॉस्पिटल द्वारा चलाया जाए, आपका इसके बाद क्या कहना है? मेरा 2-3 दिन पहले हमारे आदरणीय श्री कृष्णा जी खोपड़े आमदार जी से चर्चा हुई थी और मेरा एक ही विषय था कि कोरोना IPD ये उस समय आवश्यकता पड़ती है जब व्यक्ति थोड़ा सा गंभीर अवस्था में पहुंचता है, लेकिन उसके पहले जब आदमी को मालूम पड़ता है कि व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, ऐसे टाइम पे क्या करना, तो सरकार का एक कानून है कि वो क्वारंटाइन हो जावे और उसको जो किसी व्यक्ति किसी डॉक्टर की दवाई फोन के माध्यम से ले और फोन के माध्यम से घर में पूरी तरह से ट्रीटमेंट करे। लेकिन मेरा एक ऐसा सरकार को सुझाव था जो मैंने कल परसों आदरणीय श्री कमिश्नर साहब से भी बात की थी कि एक OPD कोरोना OPD के माध्यम से 4-5 OPD नागपुर में शुरू की जाए, जिसके अंतर्गत पूरी तरह से सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए ये OPD रहेगी, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर अलग अलग टाइम पर डॉक्टर उपलब्ध होंगे, अलग अलग बहुत सारी नर्सेस उपलब्ध होगी और जिसके माध्यम से वन डे केयर यानी एक दिन की केयर आपकी की जाएगी, जिसमें आपको इंजेक्शन दिया जाएगी, दवाई दी जाएगी, आपको सलाइन की आवश्यकता है तो सलाइन दी जाएगी, एक डे की केयर करके ऐसे 100-100 व्यक्ति को अगर एक एक OPD में हम अगर इस प्रकार की दवाई और इलाज करेंगे तो मुझे लगता है कि जो बर्डन आज हमारे IPD के ऊपर, हमारी जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों पर पड़ रहा है वो आधा हो जाएगा, 50% कम हो जाएगा, ऐसी मेरी संभावना, मेरी बात है, मेरी संकल्प है। हॉस्पिटल की ओर से आप बाकी जो कोरोना का प्रादुर्भाव जो बढ़ा है मरीजों को और जनता को क्या संदेश देंगे और उन्हें कैसे आप प्रोटेक्ट रहने के लिए कहेंगे? सबसे पहले मेरी बात, मैं आम जनता से प्रार्थना करता हूं कि एक बात समझ लो कि कोरोना आपको हुआ, कोरोना की टेस्ट करने जाओगे तो 3 दिन में रिजल्ट आएगा, एक CRP की टेस्ट है जो कि पैथोलॉजी की टेस्ट है, बहुत सस्ती है, उसको करवा लीजिए, उसका CRP का अगर बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि हम पॉजिटिव हो गए, अदरवाइज आपको CT स्कैन भी बहुत जल्दी करना चाहिए। ये दो चीज़ करने के बाद में आपको अपना इलाज
किसी अपने अच्छे डॉक्टर के पास, जो एमडी मेडिसिन का डॉक्टर हो, ऐसे डॉक्टर के पास करवाना चाहिए। लोग क्या समझ रहे कि मुझे बुखार आया और मैंने गोली खाई डॉक्टर की, एक साधारण डॉक्टर ने उन्हें बुखार की गोली दी और दो दिन में बुखार ठीक हो गया, तो वो समझते कि मुझे कोरोना आया था और मेरा कोरोना चला गया। तीन दिन में कोरोना तुम्हारे शरीर को कभी छोड़ता नहीं। आपके शरीर में पहले कोरोना अगर नाक से आया तो पहले नाक में, जैसे आपकी नाक की सुगंध चली जाएगी, फिर गले में जाएगा, आपका नाक गले का टेस्ट चला जाएगा, और जब गले में जाएगा वो आपको बुखार लाएगा। आपने देखा होगा कि जब भी गले में खराश होती है दूसरे दिन हर व्यक्ति को बुखार आता है, तो ये बुखार आपको आएगा। तो आपको जो बुखार आया है वो कोरोना के कारण आता है गले में रहने के बाद, और उसके बाद जब वो आपके लंग्स में जाता है उस टाइम पे वो लंग्स को बहुत परेशान करता है। लेकिन तब तक आपका बुखार चला गया होता है और आप अपने काम धंधे पे लग जाते हो और आपको लगता है कि मुझे अब कुछ भी नहीं है, वो उस समय वह कोरोना आपके लंग्स को खराब करता है, और आपके लंग्स में कब तैयार करता है जिसके माध्यम से आपको निमोनिया होता है। उस दरमियान हम बेदरकार रहते हैं और जिसके कारण हमारी ऑक्सीजन की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है और हमारा सीटी स्कैन वैल्यू भी बढ़ जाता है, और उसके बाद जब हमको मालूम पड़ता है कि हमारे लंग्स को कोरोना ने खराब किया है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपका सीटी वैल्यू 10 के ऊपर गया है तो समझना कि आपको आईपीडी में भर्ती होना ही पड़ेगा और आपको बहुत सारी दवाई के माध्यम से ही आपको अच्छा होना पड़ेगा। तो आईपीडी की बहुत बड़ी आवश्यकता आपको पड़ेगी, इसलिए 10 तक ना पहुँचे, आपका सीटी वैल्यू 10 तक ना पहुँचे, अगर उसके पहले ही अगर आप सचेत हो जाते हैं, आप जब बुखार आता है उस टाइम पर सचेत हो जाते हैं और उसकी जो आवश्यक दवाएँ हैं वो अपने डॉक्टर से लेते हैं, तो मैं समझता हूँ आपको एक गंभीर बीमारी के पहले ही आप अच्छे हो सकते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा, नागपुर के अंदर में पिछले हफ्ते भर में दो निजी अस्पताल जो हैं उनके ऊपर तोड़फोड़ की गई है, पेशेंट जो है उनके परिजन द्वारा मृत होने के बाद में तोड़फोड़ की जाती है और हॉस्पिटल जो है डॉक्टरों को मारा जाता है, ये किस हद तक के जायज लगता है आपको कोरोना की इस समय? ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर आज हमारे, मैं तो अभी के समय की भी बात नहीं, जनरल समय की बात करूंगा, डॉक्टर हमारे लिए भगवान होते हैं, एक भगवान का साक्षात स्वरूप है। वो हमारे लिए समय देते हैं, वो हमारे लिए प्रयत्न करते हैं और हमको बचाने का काम करते हैं। कोई भी डॉक्टर किसी भी व्यक्ति को मारने का काम कभी नहीं कर सकता। वो अपनी खुद की इमेज को देखते हुए, वो अपनी सेवा को देखते हुए काम करता है और वह चाहता है कि मेरे पास आने वाला हर व्यक्ति अच्छा होकर जाए। तो मरना मारना ये बात संभव ही नहीं है। जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं ये सरासर गलत है, इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर समाज के लिए बहुत बड़े व्यक्ति, बहुत जरूरी व्यक्तित्व है और उनका सम्मान करना हम सभी का काम है, क्योंकि आज वो बहुत बड़ी सेवा आज के समय में जो दे रहे हैं वो डॉक्टर लोग, जिसके कारण आज हम नागपुर जो गंभीर बीमारी से तड़प रहा है, ऐसे समय भी हमारे को बचाने का काम ये सभी डॉक्टर कर रहे हैं। मरना, आदमी की मृत्यु, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में या डॉक्टर के हाथ में नहीं होती। इसलिए किसी हॉस्पिटल में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये संयोग है, एक योग है कि उस व्यक्ति की मृत्यु उस समय लिखी होती है, इसलिए उसको ऊपर जाना पड़ता है। इसलिए किसी भी प्रकार की डॉक्टर पर इल्ज़ाम लगाना मैं समझता हूँ सरासर गलत है, इस प्रकार का इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। और जो सेवाभावी डॉक्टर हमारे समाज में आज कार्य कर रहे हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और उनके अच्छे कार्य के लिए उनको ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको और शक्ति दे, ताकि नागपुर की गंभीर बीमारी को हराने का काम उनके माध्यम से किया।